तो भाई लोग क्या हालचाल। तो भाई लोग बात करते हैं रजत दलाल के बारे में। तो कल के दिन सोशल मीडिया पर अचानक से एक वीडियो वायरल होने लगा रजत दलाल के ऊपर, जिसमें वो 140 की स्पीड से कार चलाते हुए एक आदमी को बाइक चलाते हुए ठोक देते हैं, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। के बाद वो वहाँ उसकी मदद के लिए रुकते नहीं है और तेजी से अपनी कार चलाने लगते हैं और बोलते हैं कि गिर गया कोई बात नहीं, ये तो हमारा रोज का काम है। जिसके बाद रजत दलाल का सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो बहुत ही पुराना वीडियो है और वो ये सब कब छोड़ चुके हैं और कोई उनकी वीडियो वायरल करके उनको फंसाना चाहता है। तो भाई सभी को राम राम। रिसेंटली एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसपे लोग बहुत आक्रोश दिखा रहे हैं, बहुत तराजगी दिखा रहे हैं। मेरे पार्ट पे भाई बस मैं इतना बोलना चाहूंगा, ना तो मेरे पास मेरा कोई डाटा है, ना मेरे पास इस टाइम मेरा इंस्टा अकाउंट है। मुझे खुद को नहीं पता वो वीडियो कहां से वायरल हुआ है, कहां से आया है, क्या सीन है। अभी का आसपास का वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये उल्टी सीधी चीजें, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, ये बहुत पीछे छोड़ चुका हूं। जीवन में एक आगे की तरफ दिशा देख के जा रहा हूं। अब मुझे नहीं पता कि कॉन्स्पिरेसी है, क्या है, किसी चीज में फंसाना है या मेरे नाम से व्यूज लेने हैं। मुझे ईमानदारी से नहीं पता क्या चीज है। ना वो वीडियो आसपास रिसेंट का है। अब भगवान जाने भाई, मेरे को समझ नहीं आता, हर दूसरे दिन कोई एक वीडियो आ जाती है। अरे मेरे को समझ है भाई, पीछे पास्ट होता है, सबका होता है, पर जीवन में वो सारी चीजें मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका हूं। सीख मिल चुकी है और सीख रहा हूं। ना मैं किसी से कोई कलेश कर रहा हूं और ना आगे करने वाला हूं। तो भाई उम्मीद करूंगा कि इस चीज को थोड़ा सब समझेंगे और जो भी चीज सच होगी सामने आई जाएगी सबके। जिसके बाद रैंडम सेना ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वेल डन एट द रेड FBD पुलिस फॉर प्रमोटिंग वायलेंस ऑफ रजत दलाल। जिस गुंडे पे हत्या के प्रयास का आरोप लगना चाहिए, उस पे फरीदाबाद पुलिस ने छोटा सा चालान काट रही है। वाह, इस देश की पुलिस तब तक दलाल जैसे गुंडे को जेल में नहीं डालेगी जब तक वो किसी का मर्डर न कर दे। रुको रुको, एक और न्यूज भी सुनते जाओ। तो भाई लोग, क्या आप सबको पता है कि बिग बॉस 18 कब से शुरू होने वाला है? तो रिपोर्ट के मुताबिक बिग बॉस 18 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही जल्द बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट आप सभी को देखने को मिलेंगे। रुको रुको, क्या मैक्सटन और एलविस यादव की कंट्रोवर्सी के बारे में तो आप सभी को पता होगा, जिसमें एलविस यादव ने मैक्सटन को थप्पड़ मार दिया था, जिसके चलते उन पर केस हो गया था। तो अब क्या जोगिंदर और मैक्सटन के बीच कंट्रोवर्सी होने वाली है? क्योंकि कल जोगिंदर ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी वीडियो डिलीट कर दो। हाँ, गलती भूल के मत कर देना, अगली बार मिल मत लेना। वो तो जो एलविस ने तो एक थप्पड़ मारा था जिस दिन जोगिंदर से मिल गया, रैप तो इतने टिक जाएगा, भूल जाएगा, गिनती में रहेगा कितने थप्पड़ मारे थे। कोई अरे तू एजाज, नहीं 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 लग नहीं रहा, तूने एजाज खान के कहने पर वीडियो बनाई है जोगिंदर के ऊपर। तो आप सभी इस बारे में क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।